Hi guys, welcome to Only Work Apps. So today is 9 December 2016 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with picture. जिसके कारण आप लोग को याद रखने में बहुत इजी पड़ेगा. जैसे कि आप लोग को पता है, अगर हम किसी चीज़ को विजुलाइज करके याद रखते हैं तो हमें वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है. सपोज आप कोई मूवी देखते हो तो उसका स्टोरी आपको याद रहता है. क्यों? क्योंकि आपने उसको फेस टू फेस सामने देखा है, विजुलाइज किया है, तो वो याद रखने में बहुत ईजी होगा. तो इसीलिए मैंने हर वर्ड्स को, जितना भी वर्ड्स मीनिंग है, मैंने पिक्चर्स के साथ रिलेट किया है. ओके, जिसके कारण आप लोग को याद रखने में बहुत ईजी होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट वर्ड है याहू. याहू तो आपने सुना ही होगा. याहू एक मल्टीनेशनल कंपनी है, शायद सा कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है. बट याहू का मतलब क्या होता है ये शायद ही आपको पता होगा. तो याहू का मतलब होता है ए पर्सन हु इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट और अनएजुकेटेड इलिटरेट पर्सन, तो उसे बोलेंगे याहू. जिसको ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ओके, तो उसे बोलेंगे याहू. एक एरूडी नॉइजी अनप्लीजेंट और वायलेंट पर्सन, ओके. और आप बोल सकते हैं ए पर्सन हु इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट और इंटरेस्टेड इन कल्चर. हिंदी में आप बोल सकते हैं जंगली हैवान, ओके. और याहू को याद रखने के लिए मैंने आपने सॉन्ग सुना होगा, ओके, मैं आपको सुना देता हूँ. ओके, अब तो आप ही इस वर्ड को याद रखोगे. याहू मतलब जंगली. अब ये से खुद समी को खुद नवक चाहे मुझे कोई जंगली कहे, ओके, तो याहू मतलब जंगली. फॉर एग्जांपल इट वाज अ रॉडी बट गुड नेचर्ड क्राउड. ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है फैलेसी. फैलेसी मीन्स एक्चुअली होता है हमारा गलत फहमी, हमारा भरम, हमारा गलत जो भरम है. सपोज करो इस दुनिया में भूत प्रेत आत्मा है, ये क्या है, हमारा एक भ्रम है, गलत फहमी है. एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बट वो हमारा जो डर है इसके कारण हम वो मानते हैं कि हाँ भूत प्रेत आत्मा होते हैं, तो उसे बोलते हैं फैलेसी. ओके, तो फैलेसी मीन्स हुआ ए मिस्टेक इन बिलीफ स्पेशली वन बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट्स. मिसकॉन्सेप्शन है, हमारा गलत फॉल्स बिलीव है. ओके, हिंदी में आप बोल सकते हैं भ्रम, गलत फहमी. और फैलेसी को याद रखने के लिए फैलेसी फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत होता है, तो हमारा गलत भरम फॉल्स. ओके, तो फैलेसी फॉल्स. तो तीन देखिए फॉल्स का तीन वर्ड्स मैच कर रहा है. ओके, फैलेसी को फॉल्स से करो रिलेट और फॉल्स आर सेम, सो फैलेसी इंडिकेट समथिंग फॉल्स. ओके, आप इसे इसका एग्जांपल यू आर द बेस्ट इज ए फैलेसी. ओके, जैसे ये एक देखिए पिक्चर में ये बेस्ट है, ये इसका फैलेसी है, ये भरम है. इसीलिए आप लोग को आगे पढ़ते रहना चाहिए, आगे पढ़ते रहना चाहिए, तो आप बेस्ट बन जाओगे. ओके, अभी आप बेस्ट हो, ये एक फैलेसी है. तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है पिटफुल. नेक्स्ट वर्ड हमारा है पिटफुल. तो पिटफुल मतलब होता है सपोज आप कहीं बाइक से जा रहे हो, ओके, और आपका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, एक गड्ढे के कारण आपका एक्सीडेंट हो गया. तो वो क्या, वो अनएक्सपेक्टेड डेंजर था, आपको पता नहीं था, वो अनफोर्सिन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग जो सिचुएशन आई उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है, नुकसान होता है, उसे बोलते हैं पिटफुल. ओके, तो पिटफुल मतलब होता है ए पिटफुल इज़ अ ट्रैप और डिफ़िकल्टी यू डोंट सीन. ओके, और ए हिडन अनसस्पेक्टेड डेंजर और डिफ़िकल्टी, जैसा पिक्चर में देख सकते हैं. ओके, हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं नुकसान, गुप्त संकट, खतरा. और पिटफुल को याद रखने के लिए देर इज़ अ पिट टू मेक यू फॉल. ओके, आपके लिए गड्ढा कोड़ा गया था तो उसमें आप फंस चुके हो, गिरने वाले हो, तो वह क्या है, एक अनफोर्सिन, आपको पता नहीं था, तो उसे बोलेंगे पिटफुल. ओके, फॉर एग्जाम्पल द पिटफुल ऑफ बाइंग गुड्स एट पब्लिक ऑक्शन इज ए पिटफुल. ओके, जब हम पब्लिक ऑक्शन, ऑक्शन मीन्स होता है नीलामी, जब नीलामी होता है तो हमें उसमें गुड डील मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो एक खतरा, एक डेंजर बना रहता है, तो उसे बोलते हैं पिटफुल. नेक्स्ट वर्ड चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेप्रोचमेंट. रेप्रोचमेंट मीन्स होता है दोस्ती, घनी दोस्ती. बट ये दोस्ती पर्सन टू पर्सन के लिए नहीं यूज़ होता, ये यूज़ होता है एक्चुअली में कंट्रीज़ के लिए, नेशन के लिए. जैसा पिक्चर में देख सकते हैं नरेंद्र मोदी एंड बराक ओबामा, इनमें अभी घनी मित्रता है USA एंड इंडिया के बीच, तो ये एक तरह का रेप्रोचमेंट हुआ. ओके, तो रेप्रोचमेंट इज़ द रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप और रीअरेंजमेंट. और इसे बोल सकते हैं ए रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्डियल रिलेशन, हिंदी में बोल सकते हैं दोस्ती मित्रता. ओके, तो रेप्रोचमेंट को याद रखने के लिए री प्लस अप्रोच, वे री मीन्स अगेन एंड अप्रोच मीन्स टू कम नियर और नियर टू.
लाइक बराक ओबामा एंड नरेंद्र मोदी. कम नियर एंड नियर टू, तो हो गया रेप्रोचमेंट. ओके फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ साइन ऑफ रेप्रोचमेंट बिटवीन टू कंट्रीज एंड हियर इज द साइन. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है स्कफल. स्कफल स्कफल मीन्स होता है सपोज आप बाइक से कहीं जा रहे हो, आप अपने बाइक से कहीं जा रहे हो और पीछे से आपको किसी ने टक्कर मार दी, तो टक्कर मारने से आपका पीछे को जो हेडलाइट है वो टूट चुका है, तो आप ऑब्वियस से बात है सामने वाले से कुछ तो हाथ हाथापाई करोगे, या कभी कभी होता है तो आप सॉरी बोल के निकल जाते हो, या उसने तो आपने एक्सेप्ट कर लिया हो गया. बट जो कभी किसी किसी बात छोटी छोटी बातों पे जब लड़ाई होती है, हाथापाई होती है, तो उसे बोलते हैं स्कफल. जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो, ओके स्कफल के लिए ये दोनों मारपीट कर रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या हुआ, स्कफल हुआ. ओके देखिए मैंने हर वर्ड्स को एक फोटो से रिलेट किया, तो आप उसको देख के याद रखने की कोशिश करें तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा. ओके स्कफल मीन्स हाथापाई लड़ाई. ओके तो स्कफल मीन्स हुआ टू स्ट्रगल और फाइट इन ए रफ और कन्फ्यूज मैनर और डिसऑर्डरली फाइट. हिंदी में आप बोल सकते हैं हाथापाई, सामने की लड़ाई. और स्कफल को याद रखने के लिए स्कफल वेन एवर देर इज़ अ फाइट यू कैच योर ओपोनेंट बाई अ स्कफ. ओके स्कफ मीन्स होता है तमाचा मारना, ओपोनेंट बाई द स्कफ एंड पुश हिम डाउन, तो मीन्स हो गया स्कफल. ओके फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ माइनर स्कफल विथ नेबर. नेबर के साथ तो थोड़े होती ही रहती है स्कफल. नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैमोथ. मैमोथ मैमोथ मीन्स होता है जब कुछ बहुत बड़ा, बहुत बिग, समथिंग विच इज़ वेरी बिग, उसे बोलते हैं मैमोथ. वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, तो उसे बोलेंगे मैमोथ. लाइक एक माउंटेन है, वो बहुत बड़ा माउंटेन है, बहुत विशाल, तो मैमोथ माउंटेन बोलेंगे. जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं हाथी, एक बहुत बड़ा हाथी है, सुन भी इसके बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसे बोलते हैं एक तरह का मैमोथ. मैमोथ मीन्स हुआ तब इमेंसली लार्ज यूज और समथिंग दैट इज ऑफ ग्रेट साइज, और बोल सकते हैं ए लार्ज एक्सटेंट एलिफेंट लाइक इन दिस पिक्चर. तो मैमोथ का मतलब हुआ हिंदी में विशाल, बहुत बड़ा. और मैमोथ को याद रखने के लिए मैम, एम एम मैम मोथ. मोथ को हम रिलेट करते हैं माउथ, तो मैम माउथ. देन मैम माउथ वॉज यूज वेन सी वॉज साउटिंग, जब वो चिल्लाती है बच्चों को शांत रहो शांत, जब वो चिल्लाती है तो मैम का जो माउथ है बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं मैमोथ. ओके आप मैंने इसे कोरिलेट किया है, आप याद रखने के लिए ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि मैमोथ. फॉर एग्जाम्पल ए मैमोथ सिप मेकिंग ऑफ ए मैमोथ ट्रेजिडी. ये मैंने वर्ड्स न्यूज़पेपर से ही कॉपी किया है, आप शायद इसे 16-17 पेज में देख सकते हो. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड हमारा है लॉरिएट. लॉरिएट मीन्स होता है पुरस्कार विजेता. जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो मलाला यूसुफजई एंड कैलाश सत्यार्थी 2014 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था, तो ये इन्हें क्या बोलेंगे लॉरिएट. लॉरिएट पीपल है ये. लॉरिएट मीन्स हुआ ए पर्सन हु इज़ ऑनर्ड विथ एन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, तो उन्हें बोलेंगे लॉरिएट. ओके समवन ऑनर्ड फॉर ग्रेट अचीवमेंट, जब उन्हें कोई ग्रेट अचीवमेंट के लिए उपहार मिलता है, सपोज करो भारत रत्न मिला, तो उन्हें क्या बोलेंगे लॉरिएट. हिंदी में आप बोल सकते हैं पुरस्कार विजेता और फॉर एग्जाम्पल ए नोबेल लॉरिएट. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम. नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्लेंड. ब्लेंड मीन्स एक्चुअली होता है मिक्सचर ऑफ समथिंग. सपोज आप दो एलिमेंट को मिलाते हो, दो एलिमेंट या कोई वाटर है, वाइल है, आप जो दोनों को मिक्स करते हो, कंबाइन करते हो, मर्ज करते हो, तो उसे बोलते हैं ब्लेंड. सपोज करो एक दूध वाला है, वो दूध और पानी मिक्स करता है, तो वो जो मिक्सचर हुआ उसको बोलेंगे ब्लेंड. ओके तो ब्लेंड मीन्स हुआ टू ब्लेंड इज टू मिक्स टुगेदर थोरली और मिक्स टुगेदर डिफरेंट एलिमेंट. जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं रेड प्लस ग्रीन इक्वल टू येलो हो गया, ब्लू प्लस रेड या पिंक हो गया, और जब ये तीनों मिक्स हुए तो हो गया बन गया वाइट, तो इससे क्या बोलेंगे ब्लेंड. जब किसी को मिक्स किए तो बनता है ब्लेंड, उसको बोलते हैं मिक्सचर को बोलते हैं ब्लेंड. ओके हिंदी में आप बोल सकते हैं उसको मिश्रण, मिलावट. ओके और ब्लेंड का मतलब हुआ था मिक्सचर, मिलावट. ओके फॉर एग्जाम्पल ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड टैलेंट. So that's it for now. If you find this video helpful, please like and subscribe to our YouTube channel. And आपका कोई feedback हो, जैसे आपको video कैसा लगा, तो please comment में आप पक्का लिखें. Okay? That's it. That's it for now. Thanks. Thanks much for watching.